हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो एक कमेंट बेस्ड वीडियो है क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर इनफिजिबल सॉल्यूशंस पर एक लेक्चर बनाइए। तो सबसे पहले थैंक यू हरप्रीत फॉर दिस कमेंट। और फाइनली आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इनफिजिबल सॉल्यूशंस की। इनफिजिबल सॉल्यूशंस को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की जिनके अंदर सिर्फ लेस देन इक्वल टू टाइप के ही कंस्ट्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इन कंस्ट्रेंट्स का राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव होता है। लेस देन इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट्स को जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड पर हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं। इन स्लैक वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन की वजह से हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है। ये select variables unutilized resources को show करते हैं या किसी भी मशीन के unutilized time को show करते हैं और इसी वजह से इन select variables का coefficient objective function के अंदर zero होता है। तो अगर हम किसी linear programming problem को solve करते हैं जिसके अंदर सिर्फ less than equal to type के ही constraints present हैं, तो solution के end में जो optimal table हमें मिलेगी वो दो types की हो सकती है। टाइप 1 के अंदर हम ऐसी ऑप्टिमल टेबल्स के बारे में बात करते हैं जिसके बेसिस कॉलम में एक भी स्लैक वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता है। तो सॉल्यूशन के एंड में अगर हमें ऐसी ऑप्टिमल टेबल मिलती है जिसके बेसिस कॉलम में एक भी स्लैक वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो हमारा सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू इन दो वेरिएबल्स x1 और x2 पर डिपेंड करेगी। टाइप 2 के अंदर हम बात करते हैं ऐसे ऑप्टिमल टेबल की जिसके बेसिस कॉलम में एट लीस्ट एक स्लैक वेरिएबल प्रेजेंट होता है। तो अगर सॉल्यूशन के एंड में हमें ऐसी ऑप्टिमल टेबल मिलती है जिसके बेसिस कॉलम में एट लीस्ट एक स्लैक वेरिएबल प्रेजेंट है तो भी हमारा सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन ही कहलाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बेसिस कॉलम में स्लैक वेरिएबल की प्रेजेंस से ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर स्लैक वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट जीरो होता है और स्लैक वेरिएबल की किसी भी वैल्यू को हम इस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जीरो ही आएगा। तो फाइनली ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन दो वेरिएबल्स एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू पर डिपेंड करेगा जैसा कि प्रीवियस केस में हो रहा था। तो इसी वजह से इस केस में भी हमारा सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन ही कहलाएगा। अब हम बात करेंगे ऐसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की जिनके अंदर लेस देन इक्वल टू टाइप के अलावा ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू टाइप में भी कंस्ट्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट्स को जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड पर स्लैक वेरिएबल को सबट्रैक्ट करते हैं। इन नेगेटिव स्लैक वेरिएबल्स को हम सरप्लस वेरिएबल्स भी बोलते हैं। स्लैक वेरिएबल्स की नेगेटिविटी की वजह से हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है और इसी वजह से हम कंस्ट्रेंट के लेफ्ट हैंड साइड पर एक और वेरिएबल को ऐड करते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल एक डिवाइस की तरह यूज किए जाते हैं जो फिजिबल सॉल्यूशन को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें इन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को जीरो करना होता है और इस चीज को अचीव करने के लिए ये आर्टिफिशियल वेरिएबल्स एक बहुत लार्ज वैल्यू कंट्रीब्यूट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जिसे हम m से डिनोट करते हैं। यानी कि इन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर m होता है। ये m पॉजिटिव होता है मिनिमाइजेशन के केस में और नेगेटिव होता है मैक्सिमाइजेशन के केस में। इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट्स को जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को ही ऐड करते हैं। इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट्स में हम कभी भी स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं। तो अगर हम ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें जिसके अंदर लेस देन इक्वल टू टाइप के अलावा ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू टाइप में भी कंस्ट्रेंट्स प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन के एंड में जो ऑप्टिमल टेबल हमें मिलेंगी वो दो टाइप्स की हो सकती है। टाइप 1 के अंदर हम ऐसी ऑप्टिमल टेबल के बारे में बात करते हैं जिसके बेसिस कॉलम में एक भी स्लैक या आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। अगर ऑप्टिमल टेबल के बेसिस कॉलम में एक भी स्लैक या आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। टाइप 2 के अंदर हम ऐसी ऑप्टिमल टेबल के बारे में बात करते हैं जिसके बेसिस कॉलम में एटलीस्ट एक आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट होता है।
अगर ऑप्टिमल टेबल के बेसिस कॉलम में एटलीस्ट एक आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है तो हमारा सॉल्यूशन इनफिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि अगर ऑप्टिमल टेबल इस टाइप की मिलती है हमें तो ही हमारा सॉल्यूशन इनफिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेसिस कॉलम में आर्टिफिशियल वेरिएबल की प्रेजेंस से ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू में चेंज आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट एक लार्ज वैल्यू यानी कि m होता है। तो अगर हम इस आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू को इस m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर ये m ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी प्रेजेंट होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें इन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को जीरो करना होता है, तो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी जीरो नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इनफिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।